Welcome to Al Islam National Academy, the best foundation for greatness. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeed karta hoon aap hazrat ba khair wa afiyat honge. Alhamdulillah, Allah ki rahmat se, barkat se, fazl karam se hum Al Islam National Academy ki taraf se is jo abhi waqt chal raha hai lockdown ka sabse zyada फ़िक्र की बात ये है कि हम अपने बच्चों से दूर हो गए हैं। बच्चे अपने स्कूलों से, अपने टीचर से बहुत दूर हैं, पढ़ाई से दूर हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी पढ़ाई लिखाई। लेकिन अफसोस की बात है, पूरी दुनिया के अंदर यही हालत है, खुदा को यही मंजूर है कि आज हम अपने बच्चों से दूर हैं, बच्चे पढ़ाई से, अपने असातिज़ा से दूर हैं। लेकिन वो खुदा का हुक्म है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस इम्तिहान से हमको निकाले और फिर दोबारा हम अपने अदारे के अंदर बच्चे और असातिज़ा, तलबा सब जमा हो जाए और बिल्कुल पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाए। लेकिन खैर, अभी तो हम लोग ऑनलाइन के ज़रिए स्कूल की पढ़ाई चल रही है और सबसे ज़्यादा हमारे स्कूल के अंदर जो बुनियादी और जो फाउंडेशन है, मकतब एजुकेशन, क्योंकि इन बच्चों को इस्लाम की बुनियादी तालीमात फराहम की जाती है और लॉकडाउन की वजह से बच्चे दूर हैं और हमारे यहाँ तकरीबन 15 मुअल्लिमीन हजरात हैं, लेकिन वो एक डिस्कनेक्ट बन गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन के ज़रिए हम लोगों ने मकतब के क्लासेस को फिर दोबारा शुरू कर दिया और अभी मतलब 2 अगस्त से मकतब के क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जोड़ रहे हैं और जो पेरेंट्स और गार्जियंस हैं वो भी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो इसलिए आप हजरात से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास के ज़रिए उनको अपने असातिज़ा से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने तमाम मुअल्लिमीन को यहाँ स्कूल में बुलाते हैं और वो बिल्कुल मतलब एक उम्मीद के साथ और जोश के साथ, खुरोश के साथ क्लास ले रहे हैं। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन से वो अपने उस्ताद से नहीं जुड़ेगा तो वो कैसे हासिल कर पाएगा। तो इसलिए खैर, आप अपने बच्चों को हमारे ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपने असातिज़ा से जोड़िए और कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं और ऑफिस से भी आप रब्ता कर सकते हैं। हत्ता इम्कान हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक बात आखिर में ये है कि आप हजरत हमारे लिए दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, क्योंकि बच्चे वो बड़े होते जा रहे हैं। अगर आज उन बच्चों को कुरान की तालीम ना दी जाए, कुरान और हदीस की तालीम ना दी जाए, इस्लाम की बुनियादी तालीम ना दी जाए, तो वो इस्लाम से दूर हो जाएंगे, कुरान नहीं पढ़ सकेंगे और सुन्नत को नहीं जान सकेंगे। अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा इंसान बनकर, एक अच्छा मुसलमान बनकर नहीं जी पाएगा। इसलिए उसका एक एक लम्हा बहुत कीमती है और हम इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ कबूल नहीं करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير ربي زدني علما ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء made the following. Listen to the dua. It is by Allah made. It is by Allah not the words of someone except the Prophet of God. Listen to how the Prophet called out to Allah. And he imagined, when was the last time you called out to Allah in the same way? La ilaha illallah, there is no God but Allah. Allahumma, our Lord, anta nuru samawati wal ardi man fihi, you are the light of the heavens and the earth and whatever is in between. Lakal hamd, for you is praise. Allahumma antal haq. O Allah, you are the truth. O qawluka al-haq, and your statement is true. O naru haq, and the fire is true. O nabiyyuna haq, and the prophets are true.